दोस्तों अभी 10 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी का नंबर आ गया। देखिए गाड़ी लोड होने जा रहा है। एक भैया बोल रहे पापा वो बस चलाने के लिए। फर्स्ट टाइम आप बस चलाइएगा ना? फर्स्ट टाइम बस चलाएंगे। दोस्तों हमारा खाना निकल गया और जा रहे हम लोग खाने के लिए। आज रात का हमारा खाना चिकन बिरयानी और फ्राइड चिकन। खाना एक होटल बनाता है, क्या क्या नाम रहे अलग अलग, लॉलीपॉप फ्राइड चिकन का है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोग पिछला ब्लॉग तो देखे थे कि हम यहीं पे फैक्ट्री पाए हुए हैं। कल ही आ गए थे तो कल तो लोड हुआ नहीं था, तो आज हमारा लोड हो जाएगा। अभी सुबह का 9 बज रहा है तो 10-10:30 बजे तक लेबर सब आ ही जाता है, सब लोड करने वाला सब तो आएगा। वो लोग फिर अपना गाड़ी लगवाएगा। गाड़ी तो कोई खास नहीं है, जो था कुछ रात में निकल गया। और ये जो डब्बा गाड़ी रहता है ना, ढक्कन बंद रहा तो मालूम चलता है कि खाली है कि लोड है। जब सुबह उठ कर देख रहे तो मात्र हम लोग 2 ही गाड़ी है, मतलब कुछ गाड़ी सब लोड हो गया था, सब कागज़ मिला तो रात में निकल गया। अब कुछ गाड़ी खड़ा है तो अपना सब आज भी लोड होगा। तो अपना तो खैर कन्फर्म है कि आज मेरा लोड हो जाएगा और आज हम लोड कर निकल भी जाएंगे। ऐसे भी यहाँ का लोड भी हो जाता है, लोडिंग में टाइम नहीं लगता, लेकिन क्या ना कि कागज़ देते देते शाम को कर ही देता है यहाँ पे। वो हर प्लांट का ही नियम है, बड़ा बड़ा काम जो होता है ना प्लांट का माल, तो कागज़ उगज में कलकत्ता से कागज आ रहा तो कहाँ सारा इस टाइप का होता है। तो ठीक है दोस्तों, इंतजार करते हैं, लेबर सब आएगा तो गाड़ी को लगाएंगे पॉइंट पर, उसको लोड कराते हैं। दोस्तों अभी 10 बज चुके हैं और हमारा गाड़ी का नंबर आ गया। देखिए गाड़ी लोड होने जा रहा है। अब ये लगेगा यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर भी एक गेट है, आगे में गेट है, उधर भी गेट है, तो इस वाले गेट में अपना मतलब गाड़ी लगेगा और तुरंत लोड भी हो जाएगा। देख सकते हो और भी कितना सारा गाड़ी आया हुआ था, इधर सारा लाइन लगा हुआ है। ये और ये लोड हो चुका है पहले ही, इसका भी नंबर आने ही वाला है। गाड़ी का दोस्तों पूरा खोल दिए है पीछे वाला गेट और उसको अंदर से तिरपाल भी पूरा झाड़ दिए थे। अभी भी थोड़ा गर्दा निकल रहा है अंदर से, देखिए ऐसे ही खड़ा रहेगा यार, इधर नहीं लगाइएगा। तो अभी दोस्तों देखिए गेट बंद है, यही सारा गद्दा लोड होगा। यहाँ पे पहले भी आए थे ना आप? हाँ पहले भरे हैं तो दूसरा पॉइंट से लोड हुआ है, आता है लेबर सब तो फिर अपना गाड़ी लगवाएगा, सब खोलेगा इसे। दोस्तों हमारा लोडिंग चालू हो चुका है और देखिए हम कागज़ कम लेके हैं गिनती करने के लिए। ये सब चीज़ ज़रूरी है, गिनती लो माल, गिनती से ही लेना चाहिए, गिनती से ही देना चाहिए। तो हम तो बैठ के भाई गिनती करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों गिनती करते हैं, अभी मेरा माल भी आ रहा है उधर से। दोस्तों अभी 11 बज चुके हैं यार, हमारा गाड़ी आधा लोड हो गया है और 1 घंटे के आसपास पूरा लोड हो जाएगा, मतलब स्पीड तो है। देखिए अभी ठेला में ला के लोग डाल रहे ऊपर। दोस्तों अभी 11:30 हो चुका है, हमारा गाड़ी लोड हो गया, तो अब गाड़ी निकाल के इधर साइड में कोना में रख देंगे और जब तक कागज मिलेगा तब तक खाना बनाएंगे गाड़ी में। फिर दोस्तों अभी दोपहर का 12 बज गया है और हमारा गाड़ी भी लोड हो गया, तो लोड होने के बाद हम लोग खड़ा कर दिए हैं। अब वो कागज़ मिलता तभी निकलते हैं यहाँ से, तो उसी बीच में समय मिला तो हम लोग चले गाड़ी में खाना बना लेते हैं। तो गाड़ी में खाना क्या है कि गोभी एक पीस बचा हुआ था, तो उसके लेकर थोड़ा सोयाबीन है गाड़ी में था, तो उसको भी मिला करके आलू सोयाबीन आलू गोभी मिला के बना रहे हैं। और अगर हमारा कागज़ जल्दी देता है तो रायपुर में 2-3 घंटा का काम है, तो वो काम मेरा हो जाएगा। और अगर ये लोग कागज़ देने में शाम कर दिया तब तो फिर रायपुर में रुकना पड़ जाएगा हमको, कल हमको वो काम करा के जाना है, क्योंकि आयसर कंपनी के अंदर जाना पड़ता है, तो वही कागज़ का काम था थोड़ा मेरा, तो काम हो नहीं पा रहा है। तो उसके लेकर देखते हैं, अगर दिन में छोड़ देता बहुत बढ़िया बात है, फिर हम लोग काम करके निकल भी जाएंगे रात में, और अगर नहीं हुआ तो शाम में छोड़ेगा तो फिर रुकना पड़ जाएगा हम लोग को। दोस्तों मेरा लगभग सब्ज़ी जो है तैयार हो चुका है, सब चीज़ भूंज लिए हैं, मसाला वगैरह सब हो गया, भुंजा गया इसमें। अब हल्का सा खाली पानी देंगे, ये देखिए मेरा आज का सब्जी, सोयाबीन भी मिक्स है इसमें। अभी तो देख रहे हैं हम लोग का दाल उल बन नहीं रहा है, तो सब्जी थोड़ा ज़्यादा बन जाता है कि सब्ज़ी और चावल ही खा लेते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा पानी डालते हैं, अब इसको ज़्यादा देर नहीं है, 10 मिनट और बस इसको उतार देंगे। अभी तक तो मेरा कागज़ आया नहीं बन के, देखते हैं हो सकता है खाना वाना यहीं खा के आराम करेंगे, फिर देखते हैं खुद बुलाने आएगा वो लोग हमको, क्योंकि ट्रांसपोर्टर यहीं रहता है, जिसका इसका ऑर्डर रहता है माल का उसका ट्रांसपोर्टर, हर आदमी हर ट्रांसपोर्टर का 2-3 ट्रांसपोर्ट यहाँ पर देखते यहीं रहता है, वो खुद कागज़ लेके आता है मेरे पास और बोलता है लीजिए आपका कागज़ बन गया। ठीक है दोस्तों इंतजार करते हैं उनका भी। दोस्तों अभी हमारा खाना तो बन गया, आप जा रहे पता करने के लिए कि कागज़ भी बन गया कि नहीं, तो बोले कि पूछते रहना बीच बीच में 1-2 घंटा में, तो शायद बन गया होगा। 2 घंटा तो बोले थे कि 2 घंटा के बाद आना, तो वही जा रहे पूछने के लिए। ये वाले रास्ते में यहाँ सीधा में आगे में ही है और हमारा गाड़ी एकदम लास्ट में वहाँ कोना में लगा हुआ है, तो पूछ कर आते हैं अभी। दोस्तों अभी गए तो थे कागज़ लेने के लिए लेकिन वहाँ आदमी ही नहीं है, शायद वो भी गए होंगे, लंच ब्रेक हो गया उनका, खाना खाने गए होंगे। तो अभी चलते हैं खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद फिर आएंगे आधा घंटा बाद, शायद तब तक कागज़ बन जाए।
दोस्तों अभी हम गाड़ी पे आ गए हैं, तो अब जा रहे हैं हम लोग खाना खा लेते हैं हम लोग भी, उसके बाद फिर चले जाएंगे खाना खाने के बाद एक बार देखने। दोस्तों हमारा जो ट्रांसपोर्टर है उसको हम कॉल किए थे तो बोला था कि हम बेबी जो भेज चुके हैं, अब जाकर पता कर लीजिए। सागर गया था देखने की तो लंच टाइम हो गया तो बाबू नहीं वहाँ पे, तो उस बीच में हम लोग खा ले रहे हैं। अगर अभी हमको मिल जाता है तो हो सकता है हमारा रायपुर वाला काम मेरा हो जाएगा। जाते जाते अगर 5 बज गया, क्योंकि 5 बजे फिर कंपनी का जो बाबू लोग होता है वो चला जाता तो फिर नहीं हो पाएगा, रुकना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, देखते हैं अगर रुकना पड़ा तो वही अपना हीरापुर में जो गोडाउन है वहीं रुकेंगे फिर हम। अगर ऐसा हो गया तो अगर मिल गया टाइम पे तो फिर निकल भी सकते हैं हम लोग, सीधा निकल जाएंगे फिर। दोस्तों अभी खाना तो खा लिया है तो आप चले गए हैं पापा कागज देखने के लिए कि शायद मिल जाए, और हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए। ये रहा ये वाला बाल्टी, तो ये जो जिससे खाना बनाते हैं वो भरा हुआ है, ये है पीने वाला पानी, तो इसको भरना पड़ेगा। अभी बंद कर दी गेट, तो यहीं ज़्यादा नहीं बगल में ही है, तो वहाँ से जाते भर के आते हैं। दोस्तों कागज़ तो हमको मिल गया और टाइम से ही मिल गया है, पानी वगैरह सब रख लिया। यहाँ का पानी बहुत अच्छा लग रहा है पीने में, इसलिए सब पानी वगैरह भी रख लिए। अब चलते हैं रायपुर, रायपुर में भी अगर काम हो गया तब तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए। ठीक है, निकलते हैं रायपुर के लिए। सेठ जी बोले कि जल्दी जल्दी आ जाओ, काम रायपुर वाला हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग तो आइसर कंपनी आ चुके हैं, तो जो काम करवाना है वो अंदर ही हो पाएगा, लेकिन अभी थोड़ा जगह नहीं है इसलिए बोल रहे हैं साइड में लगा देने के लिए। तो अब देखते हैं शायद जगह बन जाए तो इधर कोना में भी लग सकता है अपना गाड़ी। दोस्तों अभी जगह अंदर बन गया है और ये मेरे बाबू है, अभी अंदर जगह बनवाए हैं तो जा रहे गाड़ी लेकर के। काम मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता, उम्मीद है सर। अभी हम देखेंगे उसमें गाड़ी में क्या काम है। हाँ। जो 34 नंबर का गाड़ी नंबर का मैंने फोटो खींचा था। हाँ। अगली बार वो तो अलग काम है, और जो मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है वो उसका देख लेंगे सर। अगर छोटा मोटा काम दिखा दिखा देते जैसे पहले गाड़ी, अभी जगह बन गया, गाड़ी अंदर चलते लेके। ठीक है सर, आप गाड़ी अंदर कर लीजिए, उसके बाद क्या होगा टाइम मैं आपको अंदर में बता दूंगा जो मैं करीब। चलिए अंदर लगवाइए गाड़ी। हाँ, लेके आ रहा है। ओके आइए। ठीक है आइए। दोस्तों अभी गाड़ी जा रहे हैं अंदर लगाने के लिए, बात तो पूरा हो गया। देखे ये रहा गेट, अभी गेट खुल रहा है, अंदर लेके जाएंगे अभी गाड़ी को। हाँ ठीक है भैया। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है जगह का, इसलिए आधा घंटा करीब वेट करना पड़ा था, अभी जगह हो गया है, बस काम भी जल्दी हो जाए। दोस्तों अभी तो हम आयसर कंपनी में ही है, मेरा काम तो हुआ नहीं, टाइम से तो हम आ गए थे, लेकिन अंदर में इतना गाड़ी था ना कि अंदर डालने का जगह नहीं था, बाहर में ही हम लोग खड़ा इंतजार करना पड़ गया। तो काफी देर बाद जगह बना, तो सुपरवाइजर लोग गए जाकर मेरा गाड़ी लेके आए अंदर, लेकिन आने के बाद में क्या है कि फिर छुट्टी का समय हो गया मिस्त्री लोग का, तो मिस्त्री का काम मिस्त्री भी चला गया। देख ही सकते हम लोग अंदर में ही खड़े हैं, बहुत सा गाड़ी खड़ा इधर उधर, अभी सब तो सब ड्यूटी खत्म, अब हम लोग का यहीं पर रुकना होगा हम लोग का। ये चीज़ ठीक है कि आप अपने गाड़ी में रुकिए, खाना बनाइए, नहाइए धोइए, लेटरिन बाथरूम सब यहाँ बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सा कंपनी में ऐसा होता है कि अगर काम नहीं होता तो फिर मतलब कि ड्राइवर खलासी बाहर, तो कहाँ जाएगा ड्राइवर खलासी, तो ये सब दिक्कत आता है। बहुत सा ऐसा एजेंसी में देखे हैं हम, तो यहाँ पर तो खैर बहुत अच्छा है, यहाँ पर हमको बहुत अच्छा भी लगता है कि आप गाड़ी के अंदर आइए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा गाड़ी में काम था, एक टायरेट का काम है, थोड़ा सोच रहे काफ़ी दिन हो गया, आयल बदली क्या हुआ वो भी करवाना है, तो सब चीज़ बातचीत और कागज़ के लिए भी बोले थे, तो वो भी बाबू का इंतजार करते करते बाबू भी नहीं आए, काफ़ी लेट हो गया नहीं आए। अब देखते हैं कल हो सकता है क्या आ जाए, वो काम हो जाएगा मेरा, तो कल मतलब काम करा के ही हमको निकलना है। अब तो मतलब हर बार जानते हैं आप लोग कि हम गाड़ी लेकर कहीं भी चले जाते हैं तो फिर कागज़ नहीं बन पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा हमको, तो हम कल जो है किसी हालत में दिन भर रुकना पड़ेगा, दिन भर रुक करके हमको वो कागज़ लेके ही जाना है। तो ठीक है दोस्तों, इंतजार करते हैं अब कल का, अब रात में हम लोग रुक रहे हैं यहीं पे अभी। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया, तो अगरबत्ती भी खत्म हो गया था मच्छर भगाने का, तो ऑल आउट और अगरबत्ती लेके आते हैं। दोस्तों अभी मार्केट में तो आ गए हैं, यहाँ पे एक दुकान दिख रहा है जहाँ पे मिल जाएगा सारा सामान, जाके ले लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग का सारा सामान मिल गया, ये देखिए ऑल आउट मिल गया, मच्छर भगाने वाला ये अगरबत्ती और हीट भी ले लिए है, सब कुछ ले लिए है, अब चलते हैं। बस थोड़ा दूर आगे ही जाके यहाँ लेफ्ट साइड में है आइसर कंपनी। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो अभी एक भैया बोल रहे पापा को बस चलाने के लिए। कहाँ पे बस? बस लगाना है यहाँ पे। कौन वाला बस? ये वाला बस है। तो ये वाला बस बोल रहे इधर साइड में लगाने के लिए, इसका काम होगा इसीलिए। तो आज फर्स्ट टाइम आप बस चलाइएगा ना? फर्स्ट टाइम बस चलाएंगे। तो जा रहे हैं बस चलाने के लिए, देखते हैं।
इसको बैठा लीजिए इसको भी एकाकरे को बैठ के बताएगा साइड अभी बताएगा ना। दोस्तों अभी पापा बैठ गए हैं, देखिए यही वाला बस है, अब जा रहे चलाने के लिए, हो जाएगा ना। अब हो रहा, ड्राइवर है, पायलट पायलट हर चीज चलाते हैं, एरोप्लेन जमीन में चलेगा तो उसको भी चला देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब जा रहे हैं चलाने के लिए, वो पीछे वाला गाड़ी अभी हटेगा उसके बाद। अभी दोस्तों स्टार्ट तो कर लिए हैं, कंडक्टर भी है वो साइड से साइड बता देंगे, अब पूरा क्लियर भी हो गया है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अपना गाड़ी से तो ज़्यादा लंबा लग रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा लंबा है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। चला तो लिए, ऐसे तो दोस्तों भरोसा था पूरा कि चला ही लेंगे, ये देखिए इतना ज़्यादा हाइट भी है, अपना ही गाड़ी जितना हाइट है पूरा। जाइए जाइए। चलिए दोस्तों गाड़ी तो लग गया पूरा अच्छे से, अपना गाड़ी देखिए यहीं पे बगल में खड़ा है वो रहा। दोस्तों इन्हीं का गाड़ी था, अभी का गाड़ी है ना, बस अभी लगा है, तो यहाँ पर ड्राइवर में हम ही बचे हुए थे, हम तो बाहर का है इसलिए गाड़ी में ही सोना है, गाड़ी में ही रहना है, बाकी लोकल ड्राइवर सब चला गया। और नाइट मिस्त्री भी है यहाँ पर, नाइट मिस्त्री सब भी रहता है यहाँ, काम करता है सब, तो बढ़िया है, रात में भी काम होता है यहाँ पर। चलो गाड़ी तुम्हारा लग गया, तुम्हारा काम भी अब हो जाएगा। हाँ जी, तो यही फायदा होता है बाहर का ड्राइवर रहने से कि गाड़ी में रहता है तो चलो आदमी कर लिया, लोकल ड्राइवर जितना था सब चला गया, सब चले गया, सब सन्नाटा छा गया, तुम्हारा उस्ताद भी नहीं है, नहीं चला गया। चलिए दोस्तों बस तो चला ली है और हमारा खाना भी आ गया, जोमेटो से ऑर्डर किए थे दोस्तों, जोमेटो से ही ऑर्डर करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे ये लोग बोले कि 2-3 घंटे में हो जाएगा, तो इसी चक्कर में लोग खाना नहीं बना पाए थे, इसलिए अब लेट हो गया तो बनाए भी नहीं और जोमेटो से डायरेक्ट ऑर्डर कर लिए। दोस्तों इसी को कहते हैं हुनर, ये हम लोग का जो हुनर है स्टेयरिंग, जो हम लोग मतलब जो जितना भी ड्राइवर है, हम अपनी बात नहीं करेंगे, सब ड्राइवर बात करेंगे, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी बस मतलब इसको अगर सीख लेने के बाद ना आदमी कुछ भी मतलब कहीं से भी कमा खा लेगा, चाहे छोटा गाड़ी चला ले, मारुति चला ले, बस चला ले, ट्रक चला ले, सब कुछ चला सकता है वो। तो यही सब चीजों को बताते ना कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है और हुनर जरूरी है, कि कोई आज हम अगर ट्रक छोड़ देंगे तो हम कल बस भी चला सकते हैं, तो ज्यादा उम्र हो जाएगा तो छोटा गाड़ी भी चला सकते हैं, तो ये सब चीज हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये सब हम कहते हैं लड़कों को भी आजकल का, कि कोई भी चीज को पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सीखो, जो कभी फेल नहीं होगा, आदमी कोई चीज को छीन नहीं सकता है कभी भी। तो ठीक है दोस्तों, अपना खाना भी आ गया, अब खाना वाना भी खाते हैं, उसके बाद सोया जाए, अब कल के इंतजार में, कल हमारा काम कितना बजे तक होगा, क्या होगा, कल देखते हैं। दोस्तों हमारा खाना निकल गया और जा रहे हम लोग खाने के लिए, आज रात का हमारा खाना चिकन बिरयानी और फ्राइड चिकन, ये अलग से दोस्तों ऑर्डर कर दिए थे, फ्राइड चिकन और चिकन बिरयानी है ही, एक बार तो आपको खिलाए थे ना चिकन लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉप खाए थे, अभी खा रहे हैं पता नहीं फ्राइड चिकन, घर में एक बार आप बनाए थे फ्राइड चिकन, जो ऊपर से वो मैदा लगा के बनाए थे, बस वही है समझिए, तो हम तो उसको पकौड़ी समझ के खा रहे हैं अभी, अब देखते हैं अंदर से क्या निकलेगा, चिकन निकलेगा। ठीक लगा? बढ़िया भाई, खाना एक से एक होटल बनाता है, क्या क्या नाम रहे अलग अलग, लॉलीपॉप, फ्राइड चिकन का है, हाँ फ्राइड चिकन, फ्राइड चिकन। चलिए ठीक है, हम रात में खाना खाते हैं, अब सोते हैं, यही जो होगा सुबह होगा। दोस्तों अभी रात के 10 बज चुका है और हम लोग खाना खा कर सब रेडी है, थोड़ा घूम फिर भी रहे, देखिए शुभम भी जा रहा है, घूम रहा है थोड़ा, खाना खाने के बाद हम लोग को टहलते हैं थोड़ा सा रात में भी और दिन में भी है। तो ठीक दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा, कल कब तक कितना बजे तक निकल रहे हैं यहाँ से, क्या कर रहे हैं, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।